जहां आपको बता दें कि थानागाजी एमएलए कांति मीणा का बेटा ट्रैप, बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 लाख की घूस लेते हुए ट्रैप, दूसरे को भी अरेस्ट करने की तैयारी। एक बेटे लोकेश ने डिमांड की तो वहीं दूसरे बेटे कृष्णकांत ने घूस ली। और राजगढ़ बीडीओ नेताराम और प्रधान का बेटा जय प्रताप सिंह राठौर भी गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि हैंडपंप का ठेका बिल पास करवाने के मामले में हुई कार्रवाई, 15 लाख का बिल पास करवाने के लिए 5 लाख रुपए रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है, बड़ी जानकारी यहां पर सामने। और इसी खबर पर आशुतोष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है, बताया जा रहा है एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। क्यों अभी तक दूसरे बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया? देखिए आयुषी, इस पूरी कार्रवाई में सबसे पहले तो अपने में बेहद बड़ी कार्रवाई, जैसे लगातार राजस्थान की एसीबी कहती आ रही है कि बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, हर उस मछली को पकड़ेंगे जो कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं पनपाती हुई दिखाई देगी। और इसमें जो राजस्थान की वर्तमान सरकार है उसने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की एक नीति अपनाई थी और एसीबी को फुल पावर दी थी कि आप कार्रवाई कीजिए, उसका एक बड़ा एग्जांपल सेट किया गया है। थानागाजी के जो निर्दलीय विधायक है कांति प्रसाद मीणा, इनके दो पुत्र हैं दरअसल, लोकेश और कृष्णकांत। लोकेश के ही इशारे पर ये पूरा के पूरा एक तरीके से इसको रैकेट के हैं, वो अपना वहां संचालित चल रहा था। राजगढ़ में सबसे पहले कार्रवाई की गई, एसीबी की तरफ से वीडियो जो है उसको गिरफ्तार किया गया, प्रधान का पुत्र है उसको गिरफ्तार किया गया। और पंचायत समिति के अंदर जो हैंडपंप लगाने का काम होता है इस पूरे कार्य क्षेत्र के अंदर, उसके तकरीबन 26 लाख के बिल थे, तो वो उसमें से 15 लाख के जो बिल थे उनको पास करने की एवज में 5 लाख की घूस मांगी गई थी। और जो विधायक के पुत्र हैं, बड़े पुत्र लोकेश, ये इन्हीं के इशारे पर पूरा रैकेट चलता था, बिना उनके इशारे पर एक भी जो फाइल है उसको आगे मूवमेंट नहीं होता था। तो लोकेश के ही कहने पर जयपुर में जो विधायक के छोटे बेटे हैं कृष्णकांत, उसने यहाँ 5 लाख की घूस ली है और अब चारों को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है और चारों के चारों को जयपुर एसीबी मुख्यालय में फिलहाल रखा गया है। दरअसल जो देर रात जो टीम है वो अन्य तीनों को जयपुर मुख्यालय लेकर आई है और यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। इसके अंदर जो आगे की पेशी होगी वो भी संभवतः जयपुर में होना बताया जा रहा है, लेकिन समझिए कि कितना बड़ा रैकेट था और लोक सेवकों की क्या जिम्मेदारी होती है। इसमें ये भी जानकारी सामने निकल के आई है कि जो एमएलए का पुत्र है लोकेश, इसके पास कोई युवा बोर्ड से जुड़ी भी कोई एक जिम्मेदारी थी। इसके साथ आप देखिए कि सरकारी मशीनरी का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा था। एक वीडियो स्तर का व्यक्ति जिसका काम होता है ब्लॉक डेवलपमेंट करना, ब्लॉक का विकास करना, लेकिन विधायक पुत्र के इशारे पर सारा काम हो रहा था, ये तो महज एक कार्रवाई है जो एसीबी मुख्यालय तक शिकायत पहुंची परवादी के माध्यम से और उस पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिसमें विधायक के 2 बेटे लोकेश और कृष्णकांत, इसके साथ में बीडीओ नेत्रा और एक महिला प्रधान का जो बेटा है इसको गिरफ्तार किया गया, जयपुर एसीबी मुख्यालय लाया गया है, सभी से पूछताछ की जा रही है और संभवतः कोर्ट में आज पेश किया जाए। जी बिल्कुल आशुतोष, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच हमारे संवाददाता जुगल किशोर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुगल किशोर, बड़ी जानकारी है, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर एसीबी के सामने आई है, आपको क्या जानकारी मिल रही है इस खबर पर? देखिए कह सकते हैं एसीबी की निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें अब कहा जाने लगा है कि बड़ी मछलियां भी एसीबी की गिरफ्त में आने लगी है। इसी के तहत यह जो कार्रवाई थानागाजी क्षेत्र में की गई है जिसमें विधायक के दोनों पुत्र शामिल पाए गए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, साथ में जो बीडीओ है नेत्राम है और प्रधान पुत्र है जय प्रताप उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। यह जो पूरा मामला था, एसीबी को जो शिकायत मिली थी परिवादी ने बताया था कि उसके हैंडपंप लगाने के एवज में पंचायत समिति क्षेत्र के कामों के 26 लाख रुपए लगभग बकाया बिल चल रहे थे जिन्हें पास कराने के लिए उससे रिश्वत की मांग की जा रही थी। अब यह 15 लाख रुपए पास करने के एवज में 5 लाख रुपए लिए गए थे, जिसके तहत एसीबी एएसपी बजरंग सिंह जयपुर से पूरी टीम के साथ यहां पहुंचे थे और देर रात इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया था और सभी आरोपियों को जयपुर ले जाया गया। अभी आगे की कार्यवाही चल रही है। जी बिल्कुल जुगल किशोर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा की आपने। और ऐसे में अब कौन कौन इस पूरे शिकंजे में आ सकता है? क्या जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं केवल वहीं तक कार्रवाई सीमित थी या फिर और भी लोग इस पूरे प्रकरण के अंदर शामिल थे, इसका अंदेशा लगाया जा रहा है? जुगल किशोर,
बताना चाहूंगा इस पूरे रैकेट में जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि विधायक के जो दोनों पुत्र हैं, जो एक जयपुर है कृष्णकांत और लोकेश, इन्हीं के अंडर में ये सारा रैकेट चल रहा था, चाहे अधिकारी हैं जो बीडीओ हैं, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नेत्राम है, ये कोई भी काम को विधायक के पुत्रों के बिना किसी फाइल को आगे नहीं सरकाते थे। ये तो इन्होंने पूरा एक रैकेट जो बनाया हुआ था उन्हीं के अंडर में ये सारे बिल पास होते थे, बिना विधायक के पुत्रों के अप्रूवल के कोई बिल पास नहीं किए जाते थे। अब जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि लोकेश और कृष्णकांत इसमें मुख्य रूप से सक्रियता दिखाते थे और इस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, अब एसीबी आगे जांच करेगी, देखते हैं इसमें कौन कौन और शामिल होते हैं। पुलिस एसीबी का अभी इसमें जो आगे पार्ट है वो अभी होना बाकी है। जी बिल्कुल जुगल किशोर, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच आशुतोष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि विधायक के दोनों बेटे यहां पर गिरफ्तार हुए हैं और किसी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, रिश्वत लेते हुए दोनों पकड़े गए, और जिस तरह से जुगल किशोर ने भी बताया कि इन्हीं दोनों के अंडर पूरा ये रैकेट चल रहा था, तो ऐसे में अब कितनी हानि पहुंचती है विधायक की इमेज को? देखिए, जाहिर है वो जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक के घर में है, और घर से ही अगर इस तरीके का पूरा रैकेट संचालित हो रहा होगा, और संभवतः उनको जानकारी थी या उनको जानकारी नहीं थी, उनको पूरी तरीके से अंधेरे में रखा गया, तो ये अपने आप में एक अलग विषय है। फिलहाल इस पूरे कार्रवाई की अगर बात करें तो मुकेश जो कि बड़ा बेटा है, इस ये पूरे रैकेट के अंदर एक तरीके से मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाता है। लोकेश के ही डायरेक्शन पे स्थानीय तौर पे जो पंचायत समिति है वहाँ के जितने भी काम होते हैं, ये तो महज एक केस है, लेकिन अन्य काम भी होते हैं, उसके इशारे पर ही होते हैं, तो लोकेश की इसमें सबसे ज्यादा भूमिका है। लेकिन छोटे बेटे ने जयपुर में क्योंकि घूस ली है, ऐसे में गिरफ्तार किया है, रिश्वत देना रिश्वत लेना अपने आप में क्राइम है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर रैकेट को संचालित करने की बात करें, इस पूरे घूसकांड की अगर सूत्रधार की बात करें, तो लोकेश का जो नाम है वो प्रमुख तौर पे सामने आया। फिलहाल सभी को जयपुर स्थित मुख्यालय जो है एसीबी का यहाँ रखा गया है, और अब आगे की जो पूछताछ है वो चल रही है। इसमें अगर कुछ और अन्य नाम भी सामने निकल के आते हैं तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको पूछताछ के लिए बुलाया भी जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है इस वक्त राजस्थान के अंदर, राजनीतिक उठापटक चल रही है, उस बीच में एक निर्दलीय विधायक के जो बेटे हैं, दो बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं सियासी हलचल जो है, जिसको कह सकते हैं पॉलिटिकल जो मूवमेंट है, उसको कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देता है। अच्छा आशुतोष, अन्य नाम के अलावा क्या ये भी माना जा सकता है कि पूछताछ के दौरान पहले के भी कोई कुकर्म सामने आ जाए? क्योंकि देखिए ये भी पॉसिबल है ना कि अभी इन्होंने रिश्वत ली और ये पकड़े गए, लेकिन इससे पहले भी ये लोग इस तरह के रैकेट संचालित कर रहे थे, इस तरह से रिश्वत ले रहे थे, लेकिन बच गए थे, पकड़े नहीं गए थे। ऐसे देखिए बिल्कुल सही बात, एसीबी की अपना किसी भी कार्रवाई को करने की कार्यशैली होती है, एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले एसीबी की तरफ से जो आज कार्रवाई की गई है, देर रात जो कार्रवाई की गई है, इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा, यानी कि इस कार्रवाई में क्या कुछ पहलू हैं उन पहलुओं को पूरा किया जाएगा, और उसके बाद में जो इससे आसपास की जुड़ी कड़ी होंगी, पूछताछ में अगर कुछ और खुलासे होते हैं, जो फाइल वहां से जब्त की गई है पंचायत समिति की, उसमें अगर कुछ अन्य खुलासे होते हैं तो संभवतः ये तय है कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। आप समझिए कि इतना बड़ा मैसेज राजस्थान एसीबी की तरफ से देना कि विधायक के पुत्रों को गिरफ्तार किया जाए घूस लेने की एवज में, आमतौर पर किसी भी राज्य के अंदर एसीबी ऐसा काम करती हुई दिखाई नहीं देगी, और आमतौर पर किसी भी राज्य से इस तरह की खबरें सामने निकल के नहीं आती है, लेकिन एकमात्र राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां पर जीरो टॉलरेंस के साथ में राजस्थान एसीबी काम करती हुई आगे बढ़ रही है, और इससे बड़ा मैसेज क्या होगा कि विधायक के पुत्र भी अगर घूस मांगेंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक अच्छी और साफ मैसेज है राजस्थान एसीबी की तरफ से, तो सामने किसी भी तरह की मछली आए, किसी भी मछली का नाम आए, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ये तय है। जी बिल्कुल आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुगल किशोर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।